हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। मैं आज आपसे चाइल्ड एंजाइटी के बारे में बात करूंगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भाई बच्चों को किस बात की टेंशन, पर आज बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर है, हर एक्टिविटी में टॉप पे रहने का प्रेशर, कभी कंपटीशन तो कभी कंपैरिजन, और बच्चे इमोशनल भी बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से भी जल्दी लगा लेते हैं। तो उनके पास अपने बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको भी स्ट्रेस रहता है। अब मेरे पास जनरली पेरेंट्स इस तरीके की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, ये अकेला सा चुप चुप रहता है, खाता पीता ढंग से नहीं है, मोबाइल में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता है, या कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि बच्चे में बहुत तेज़ी से एग्रेशन डेवलप हो रहा है, उल्टा जवाब देने लगा है, या उसकी अक्सर अब उसके फ्रेंड्स से या फैमिली मेम्बर्स से लड़ाई हो जाती है। तो ये सारे जो बिहेवियरल इशूज़ हैं इनके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं। अब आपने अगर सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो फिर इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अक्सर बच्चे पेट में दर्द की, सिर में दर्द की शिकायत करने लगते हैं, कुछ बच्चों को अक्सर वॉमिटिंग लग जाती है, या उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म हो जाएगा, कुछ बच्चों को बहुत पसीने आते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ फिजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब पेरेंट्स की अटेंशन बच्चों पर जाती है और पेरेंट्स बच्चों को किसी डॉक्टर को दिखाते हैं या उनको पैम्पर करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा अच्छा फील करे। अब बहुत सारी बार तो बच्चा उस जो अटेंशन मिल रही होती है उसको पॉजिटिवली लेता है, लेकिन कुछ बच्चे उस अटेंशन को जो मिल रही होती है उसको एक हथियार की तरह भी यूज करने लगते हैं। तो पेरेंट्स, यहाँ पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। जब भी आपको ये अलार्मिंग साइंस मिल रहे हो तो आप अपने बच्चे पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं कुछ आसान सी आपको टिप्स देती हूँ जिससे आप अपने बच्चे की एंजाइटी को घर पर ही सेटल कर सकते हैं। पहला, आपको अपने बच्चों के साथ 15 मिनट्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अब आप कहेंगे, डॉक्टर कशिका 15 मिनट तो बहुत कम है, हम तो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ। लेकिन 15 मिनट का मतलब है जिसमें आप बच्चे से खाने पीने, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करें, बल्कि आप उससे उसके इमोशंस के बारे में बात करें, उसकी सोच क्या है, उसकी एज के अकॉर्डिंग लाइफ को लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके फ्रेंड्स के लिए उसका फीडबैक क्या है, आपके लिए क्या फीडबैक है उसका, वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, वो सब आप उससे बात करें, उसको एक्सप्रेस करने का मौका दें आप। और अगर आपका बच्चा कोई भी अपनी वरी या फियर्स को एक्सप्रेस करता है तो आप स्पेसिफिकली जानने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पेपर पे बेबी से कहिए कि वो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करे और आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके बताए कि वो अपनी वरी या फियर को बॉडी के किस पार्ट में फील कर रहा है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा, आपको ये समझ आएगा कि बच्चे की वो जो चिंता है या उसके अंदर जो डर है वो बॉडी के जिस भी पार्ट में उसको फील होता है सो उसे वहीं से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब आपको ये पता चल गया तो आप आसानी से उसकी जो एंग्जाइटी है उसे रिलीज करा सकते हैं। टॉक थेरेपी के थ्रू आप बच्चे को क्लैरिटी दीजिए उन इश्यूज के बारे में, या दूसरा आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा के उसके स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। अब छोटे बच्चे अक्सर हमें कॉपरेट नहीं करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मैं आपको कुछ फन एक्टिविटीज ऐसी बताती हूँ जिसके थ्रू आसानी से बच्चों की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है। पहला, ये देखिए मेरे पास कुछ फैदर्स हैं। आप इनको बच्चे के हाथ में रखिए और उसको बोलिए एक लंबी गहरी सांस ले और इन फैदर्स को वो उड़ा दे। अब बच्चों को यह खेल लगेगा, खेल खेल में उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। सांसों को लंबा करने के लिए आप उसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप इन फैदर्स को जितना दूर उड़ाओगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप उन पॉइंट्स पर उसको कोई रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, या आप उसे बैलून ब्रीदिंग भी करा सकते हैं। अगर हमें किसी भी बैलून में हवा भरनी हो तो हमें पहले अपने अंदर ज्यादा हवा भरनी होगी, इस तरह से आप इसको ये बैलून ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। ये भी बच्चों को एक खेल लगता है और बच्चे इसको एंजॉय बहुत करते हैं। या मेरे पास ये देखिए बबल्स हैं, इससे भी आप बच्चों को एक्सरसाइज करा सकते हैं। खेल खेल में बच्चों की एक्सरसाइज हो गई और उनकी एंजाइटी का जो रिस्पॉन्स था वो रिलैक्सेशन के रिस्पॉन्स से चेंज हो जाएगा। तीसरी टिप जो है मेरे पास आपके लिए वो ये है कि आप सुबह अपने बच्चों को अफर्मेशंस के साथ उठाएं।
उठने के बाद उनके साथ 10 मिनट टाइम स्पेंड करें जिसमें आप बच्चे को पॉजिटिव सजेशंस ही दें, आप उसे अपना फिजिकल लव भी दें और उससे मोटिवेटिंग वर्ड्स ही बोलें। इससे उसका जो पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है वो डायरेक्टली आपके पॉजिटिव सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, आज तुम पूरे दिन शांत रहोगे, खुश रहोगे, आज तुम्हारा स्टडीज में बहुत मन लगेगा, आज तुम अपना हर काम बहुत अच्छे से करोगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने बच्चे के लिए स्पेसिफिक कोई भी अफर्मेशंस लिख सकते हैं। इसी तरीके से रात को सुलाने से पहले 10 मिनट आप अपने बच्चों को कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाइए या उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए ताकि वो एक साउंड स्लीप में सोएं और सुबह एकदम रिफ्रेश्ड उठें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप डेली की एंग्जाइटी को डेली सेटल कर सकते हैं। फिर भी आपके इतने एफर्ट्स के बाद अगर बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। एंड आई होप आपकी आज की ये जो वीडियो है या आपका होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आप इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज इसको शेयर करें। आपके अगर कोई भी सवाल हो अपने बच्चे से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्दी ही उन इश्यूज पर भी वीडियो बनाऊंगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।